एक्सरसाइज 5.2 ठीक है, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ठीक है, यानी कि समानांतर श्रेणी। आपका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक कंप्लीट हो चुका है ठीक है, वीडियो में जाएगा प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा 10th का एपी ठीक है। अब इसके बाद से हम क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 आपका कह रहा है किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है ठीक है, इसका सार्वभौम अंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो देखिए इसका 17वां पद जो है, 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, यानी कि कहने का मतलब इसका ये है कि ए 17वां यानी कि इसका 17वां पद तब बराबर होगा इसके 10वें पद के जब उसमें आप 7 जोड़िएगा तब, तो यानी कि ए 17 बराबर ए 10 + 7 यानी कि दो ए 10 में यदि आप 7 जोड़ेंगे तब उसके 10 17वें पद के बराबर होगा। तो ये देखिए ए 10 इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, तो ए 17 माइनस ए 10 इज इक्वल टू 7 ठीक है, यानी कि इसके बीच का डिफरेंस कितना है 7। अब ए 17 बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी माइनस ए 10 का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी और इसका वैल्यू कितना है 7 + 7 ठीक है। ए का ए 17 में से गया तो 16, तो 16 डी माइनस तो माइनस ए है तो ए प्लस 10 में से 1 गया तो 9 डी बराबर 7 + 7 ए प्लस 16 डी आई माइनस अंदर जाएगा तो जो प्लस में उसको माइनस कर देगा, जो माइनस में उसको प्लस कर देगा, तो ए प्लस में है तो माइनस हो गया और 9 डी भी प्लस में है तो ये भी माइनस हो गया इज इक्वल टू 7। ए गो ए प्लस में है आ ए गो ए माइनस में है तो दोनों कट गया, आ 16 गो डी प्लस में और 9 गो डी माइनस में, तो 16 गो डी में से 9 गो डी जाएगा तो 7 गो डी, तो 7 डी इज इक्वल टू 7 और डी का डी और 7 का 7 और 7 इधर डी के मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में आ 7 × 7 तो डी इज इक्वल टू 1 आपका यही आंसर हो गया ठीक है, यानी कि इसका सार्वभौम अंतर यानी कॉमन डिफरेंस जो है आपका 1 है ठीक है, उतार लीजिए। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, लिखा है एपी 3, 15, 27, 39 डॉट डॉट का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है, यानी जो उसका 54वां पद है तो वही ले है और उससे भी 132 अधिक कौन सा पद होगा। तो पहले देखिए यहाँ पे लिखिए ए वन, तो ए वन इज इक्वल टू आपका हो गया 3, ए टू इज इक्वल टू हो गया आपका 15 ठीक है, और डी इज इक्वल टू क्या होता है ए टू माइनस ए वन, तो 15 में से 3 जाएगा तो 12, तो डी का वैल्यू कितना निकल गया 12 ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ए 54 का वैल्यू निकाल देते हैं, यानी कि पहले 54वां पद निकालेंगे ओकरे बाद से चेक करेंगे कि 54वां पद से 132 कौन सा पद आ रहा है। तो ए 54 बराबर होगा आपका ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए का वैल्यू कितना है 3, तो 3 रख दीजिए, एन कितना है 54, तो 54 में से एक गया तो 53 और 53 डी, यानी कि ए 54 का वैल्यू कितना निकल गया और डी का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे 12, तो 12 लिख दीजिए, ए 54 बराबर 3 का 3 अब 12 तिहाई 36 के 6 हासिल 3 अब 12 25 60 और 3 63 और जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 639, यानी कि ए 54 का वैल्यू 639, 12 तिहाई 36 हासिल 3 और 12 25 60 और 3 63 यानी 639, यानी कि ए 54 यानी कि जो ए पी दिया गया है उसमें आपका 54वां पद जो है 639 है, और क्वेश्चन कह रहा है कि 54वें पद से 132 अधिक कौन सा पद है, तो 54वां पद में 132 जोड़ दीजिए, यानी कि 639 में 132 जोड़ दीजिए ठीक है, तो कितना आएगा 9, 2, 11 के 1 हासिल 1 और 3, 3, 6, 1, 7 और 6, 1, 7 यानी कि 771, यानी कि मान लीजिए एन बराबर आपका 771 है, यानी कि एन का वैल्यू हमको यहाँ पे निकालना है कि कौन सा पद 771 है, एक
ठीक है, तो एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और एन का वैल्यू कितना है 771, तो 771 रख दीजिए बराबर ए, ए का वैल्यू 3, तो 3 रख दीजिए प्लस एन का वैल्यू हमको नहीं पता है और डी का वैल्यू 12। अब 3 इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, तो देखिए 771 और माइनस 3 बराबर एन माइनस वन इंटू डी, 771 में से 3 माइनस कीजिएगा तो 768 होगा, तो 768 बराबर एन माइनस वन इंटू डी का वैल्यू 12 था तो 12 रख दीजिए। अब ध्यान दीजिए 12 इधर गुणा में, इधर जाएगा तो भाग में, तो भाग, अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, ध्यान से 12 × 6 = 72 बचेगा 4 और 12 × 4 = 48 यानी कि 64 बराबर एन माइनस वन, ठीक है। और देखिए 1 इधर माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में, तो 64 का योग 65 को, तो एन बराबर 65 आपका आंसर हो गया, यानी कि जो क्वेश्चन कर रहा है कौन सा पद 54वें पद से 132 से अधिक है, तो जो 65वां पद होगा इस एपी का वो 54वें पद से 132 आपका अधिक होगा, ठीक है, समझ में आ गया, नहीं समझ में आएगा ना तो कमेंट कीजिएगा इस और समझ में नहीं आ रहा, फिर हम आपको समझा देंगे, ठीक है। और इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, लिखा है दो समांतर श्रेणियों का सर्व अंतर समान है, यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। दो समांतर श्रेणी, एक को हम मान लेते हैं ए और दूसरे का मान लेते हैं बी, ठीक है। अब कह रहा है कि इनके 100वें पदों का अंतर, तो ए 100 बराबर आपका होगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होगा ना। अब ए 100 का ए 100 बराबर ए का ए और एन का वैल्यू कितना है 100, तो 100 में से एक गया तो 99 डी हो गया, ठीक है। और दूसरा हम सार्व अंतर मान लिए, दूसरा जो ए पी है उसको हम मान लिए हैं बी, तो बी बराबर आपका हो जाएगा बी 100 बराबर आपका हो जाएगा बी प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब यहाँ पे देखिए 100, तो बी 100 बराबर बी प्लस आ 100 में से एन का वैल्यू 100 है, 100 में से गया तो 99 डी हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में ध्यान से देखिए ना, कह रहा है ना यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, यानी कि ए 100 और बी 100 दोनों ससुरे के बीच के अंतर कितना है 100, तो ए 100 और माइनस बी 100 बराबर ए प्लस 99 डी और माइनस बी प्लस 99 डी, ठीक है। ए 100 तो ए 100 बराबर ए प्लस 99 डी और माइनस है तो माइनस, अब बी 100 का वैल्यू कितना है बी प्लस 99 डी, तो बी प्लस 99 डी, ए का ए 99 डी के 99 डी माइनस है अंदर जाएगा तो माइनस बी हो जाएगा और माइनस 99 डी हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए प्लस में 99 डी और माइनस में 99 डी, ठीक है। यहाँ पे ए 100 और माइनस बी 100 बराबर यहाँ पे क्या बच जाएगा ए माइनस बी, यानी कि ए 100 और माइनस बी 100 और ए माइनस बी का वैल्यू कितना दिया है 100 दिया है ना, इनके बीच का अंतर कितना है 100, यानी कि ए माइनस बी के बीच का अंतर 100 आ रहा है। अब क्वेश्चन देखिए, इसके 1000वें पदों का अंतर चेक करते हैं, उसी तरह यहाँ पे ए 1000 बराबर आपका हो जाएगा ए प्लस 999 डी होगा कि नहीं होगा, ए 1000 बराबर ए प्लस 999 डी होगा कि नहीं होगा, होगा, क्यों होगा, क्योंकि ए प्लस एन माइनस वन आ एन का वैल्यू 1000 आ 1000 में से एक घटेगा तो 999 आ डी सटा रहता है तो सट पे करेगा। और उसी तरह बी 1000, बी 1000 बराबर आपका ये हो जाएगा बी प्लस 999 डी होगा ना। अब इसके बीच का अंतर देखिए, पूछ रहा है कि इसके बीच का अंतर क्या होगा, तो ए 1000 और माइनस बी 1000 बराबर भाई ए माइनस बी बचेगा ए माइनस बी आई 999 डी या 999 डी, ये तो आपस में क्या हो जाएंगे कट जाएंगे, यहाँ पे
देखिए यहाँ पर ध्यान से, माइनस माइनस माइनस, ठीक है। तो ए 1000 माइनस ए बी 1000 हो जाएगा, और ए माइनस बी हो जाएगा, और प्लस में 999 डी, माइनस में 999 डी, आपस में कट जाएंगे ना। और ए 1000 माइनस बी 1000 बराबर ए माइनस बी, यानी कि ए 1000 माइनस बी 1000 अब बराबर, अब यहाँ पे देखिए ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी इसका वैल्यू ए माइनस बी के 100, तो यहाँ भी 100, तो इसके बीच का अंतर कितना हो जाएगा, 100 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया, उतार लीजिए क्वेश्चन नंबर इसके बाद से 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, लिखा है तीन अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। तीन अंक वाला ध्यान से समझिएगा, तीन अंक वाला उसमें तीन अंक होना चाहिए। तो पहला हम अगर एक से एक लिख रहे हैं तो देखिए, तो ये 7 से कट रहा है, 7 से 7 एकम 7, बचेगा कितना 3, देखिए 7 एकम 7 बचेगा 3 1, 7 चौक 28, ठीक है, 7 पचे 35, यहाँ 5 बार में तो 35 कितना अधिक हो रहा है 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 105, यानी कि पहला जो संख्या आपका होगा तीन अंक वाला कितना हो जाएगा 105, तो यहाँ पे लिख दीजिए ए पी, पहले 105 हो जाएगा, और 7 से भाग करना है तो 7 इसमें जोड़ते जाइएगा, तो 105 उसके बाद से 112 उसके बाद से 119 डॉट 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 दे दीजिए, और लास्ट संख्या कौन सा होगा तीन अंक वाला 999, इसमें 7 से भाग कीजिए, 7 एकम 7 बचेगा 2, 9 7 चौक 28 बचेगा 1, 9 7 दूना 14, यानी कि 5 शेष बच रहा है, तो 5 इसमें से घटा दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा 994, ठीक है। यानी कि तीन अंक वाला जो पहला संख्या होगा 7 से कटने वाला 105 होगा, और लास्ट वाला कितना होगा 994, इसको चेक कर लेते हैं, 7 एकम 7 बचेगा 2, 7 चौक 28 बचेगा 1, 7 दूना 14, ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ पे। यानी कि तीन अंक वाला पहला जो संख्या होगा 7 से कटने वाला वो 105 होगा, और लास्ट वाला जो संख्या होगा वो कितना हो जाएगा 994, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ए वन इज इक्वल टू 105, ए टू इज इक्वल टू 112, और डी बराबर क्या होता है ए टू माइनस ए वन, तो 112 में से 105 जाएगा तो 7, ठीक है, और ए एन बराबर कितना दिया है 994, ए एन बराबर कितना दे दिया, ए एन आपका क्या होता है अंतिम पद होता है, तो अंतिम पद कितना है 994। तो अब देखिए यहाँ पे एन का वैल्यू हमको निकालना है कि कितनी संख्याएं हैं, तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, होता है, ए एन का वैल्यू कितना है 994, तो 994 लिख दीजिए, ए का ए का वैल्यू 105 प्लस एन माइनस वन के एन माइनस वन, डी का वैल्यू कितना है 7 है, तो 7 लिख दीजिए। अब देखिए 105 इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, तो 994 माइनस 105 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 7, ठीक है। अब 994 में से 105 माइनस कीजिएगा तो 14 में से 5 गया तो 9, 8 में से 0 गया तो 8, या 9 में से 1 गया तो 8 बराबर एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है, और डी का वैल्यू कितना है 7, ध्यान दीजिए यहाँ पे, और इस 7 इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में, तो 889 बट्टा 7 बराबर एन माइनस वन, ठीक है। अब देखिए 7 एकम 7 बचेगा 1, 7 दूना का 14 बचेगा 4, 7 सते 49, ठीक है, यानी कि 127 बराबर एन माइनस वन, ठीक है, और ये वन इधर माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में, तो 127 आएगा 128, तो एन इज इक्वल टू 128 आपका आंसर हो गया। यानी कि तीन अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है, तो तीन अंकों वाली 128 ऐसी संख्या है जो 7 से विभाज्य है, ठीक है। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 14 देखिए,
क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, लिखा है 10 और 250 यानी कि 250 के बीच चार के कितने गुणज है, यानी कि 10 और 250 यानी कि 250 के बीच कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो चार से विभाज्य है। ठीक है, तो बीच में कह रहा है, याद रखिएगा 250 को मत लीजिएगा, 10 को मत लीजिएगा, उसके बीच में का देखिए, तो 10 और 250 के बीच यानी ये 12 हो जाएगा कि नहीं होगा, यहाँ पे लिखिए ए पी, ए पी इज इक्वल टू, यहाँ पे 10 है और 4 से भाग होने वाला चाहिए, तो 10 के बाद से क्या होगा, 11 तो होगा नहीं, 12 हो जाएगा, इसके बाद से 16 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, डॉट 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 डॉट, उसके बाद से 250 का पहले कौन ऐसा संख्या है, तो चेक करते हैं 248, 4 × 6 = 24, 4 × 2 = 8। ठीक है, यानी कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणे जाते हैं, देखिए 10 के बाद आपका 12 एगो ऐसा संख्या होगा जो 4 से विभाज्य होगा, 11 होगा नहीं, और लास्ट वाला कौन होगा, 248 होगा, क्योंकि 249 होगा नहीं। ठीक है, तो 4 × 6 = 24, 4 × 2 = 8, कट जा रहा है ना। अब देखिए यहाँ पे लिखिए a1 = 12, a2 = 16 और an = 248, क्योंकि an बराबर आपका क्या होता है, अंतिम पद, अंतिम पद ससुर का दिया है 248। ठीक है, और d बराबर आपका क्या होता है, a2 - a1 यानी कि a2 - a1 यानी कि 16 में से 12 गया तो 4, तो d का वैल्यू आपका कितना निकल गया, 4। अब हमको संख्या निकाल देना है कि कितना संख्या है जो 10 और 250 के बीच 4 से विभाजित है। ठीक है, तो देखिए an बराबर a+n-1 × d, an का वैल्यू कितना है, 248, तो 248 रख दीजिए, a का वैल्यू कितना है, 12, अब प्लस n का वैल्यू निकालना है और d का वैल्यू कितना है, 4, भाई 12 इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, तो 248 - 12 इज इक्वल टू n-1 × 4। ठीक है, अब देखिए 248 में से 12 घटाइए ना, तो 236 होगा, 8 में से 2 गया तो 6 हुआ, 4 में से 1 गया तो 3 है, 200 के 200 बराबर n-1 × 4। अब ध्यान दीजिए, अभी 4 इधर गुणा में, इधर आएगा तो भाग में, तो 236 अब बट्टा 4 बराबर n-1, 4 × 5 = 20 और 4 × 9 = 36। ठीक है, 4 × 5 = 20 और 4 × 9 = 36 यानी कि 59 = n-1, भाई एक जो है ना इधर माइनस में है ना, ये आएगा तो प्लस में, तो 59 × 60 = 60, तो n बराबर 60 आपका आंसर हो गया। ठीक है, कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद से देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, लिखा है कि n के किस मान के लिए 2 समानांतर श्रेणियों यानी कि एगो समानांतर श्रेणी 63, 65, 67 डॉट डॉट दिया है। ठीक है, और दूसरा 3, 10, 17 के nवें पद बराबर होंगे। ठीक है, यानी कि बताना है कि इसका कौन सा पद जो है आपस में बराबर होगा। ठीक है, तो पहला ए पी लिखिए यहाँ पे, ए पी 1 = 63, 65, 67 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे ए वन का वैल्यू 63, ए टू का वैल्यू 65 और डी बराबर a2 - a1 यानी कि 65 में से 63 गया तो 2। ठीक है, और ए पी 2 लिखिए इज इक्वल टू 3, 10, 17 डॉट डॉट डॉट, इसमें ए वन का वैल्यू आपका हो जाएगा 3, ए टू का वैल्यू हो जाएगा 10 और डी का वैल्यू हो जाएगा 10 में से 3 गया तो 7। ठीक है, और इसका कौन सा पद बराबर है, तो हमको तो पता नहीं है कौन सा पद इसका बराबर है, तो इसको लिखेंगे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, यानी कि एनवा पद इसका हम लोग जानते हैं, ए एनवा पद यानी कि कोई पद बराबर होगा। ठीक है, तो पहला में पहला रख दीजिए, ए का वैल्यू कितना है 63, अब प्लस एन का वैल्यू नहीं पता है, डी का वैल्यू इसमें कितना दिया है
दू तो दू रख दीजिए बराबर ए, ए का वैल्यू इसमें तीन, एन का नहीं पता है, डी का वैल्यू इसमें सात, ठीक है। तिरसठ के तिरसठ आई तीन इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, अब बराबर आई दो में एन से गुणा होगा तो दू एन, प्लस के प्लस आई टू अंदर आएगा तो टू एन, अब माइनस टू हो जाएगा बराबर इधर सेवन एन, माइनस सेवन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए तिरसठ गो में से तीन गो गया तो बचेगा साठ गो, अब प्लस के प्लस आई ध्यान दीजिए यहाँ पे तिरसठ में से तीन गया तो साठ, आई माइनस टू है तो माइनस टू, आई सेवन इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में बराबर, आई सेवन एन के सेवन एन, आई टू एन इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद देखिए प्लस वाला एक में जोड़ दीजिए, यानी कि साठ गो और सात गो सड़सठ गो, हाँ सड़सठ में से दो गया तो पैंसठ, तो पैंसठ बराबर सात गो एन में से दो गो एन गया तो पाँच गो एन, तो पाँच गो एन आई पाँच एन गुड़ा में नहीं आएगा तो भाग में, तो एन बराबर पैंसठ बटा पाँच, अब भाग कीजिएगा तो एन बराबर आपका तेरह आ जाएगा, यानी कि ये जो ए पी दिया है दो गो तिरसठ पैंसठ सड़सठ और तीन दस सत्रह, इसका तेरहवां पद जो है आपस में बराबर है, ठीक है। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन देखिए, क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन देखिए लिखा है वह ए पी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद सोलह है और सातवां पद पांचवें पद से बारह अधिक है, ठीक है। यानी कि ए सातवां और ए पांचवा इसके बीच का अंतर कितना है बारह, ठीक है। सातवां पद जो है वो पांचवें पद से बारह अधिक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ए सातवां और ए पांचवा उसके बीच का अंतर जो है बारह है, ठीक है। अब देखिए ए सेवन बराबर हो जाएगा आपका ए प्लस सिक्स डी हो जाएगा, होगा ना, क्योंकि ए सेवन बराबर ए प्लस सेवन माइनस वन और डी लिखे गया तो ए का ए या सिक्स में सेवन में सोन गया तो सिक्स, तो ए सेवन बराबर ए प्लस सिक्स डी हो जाएगा। उसी तरह माइनस के माइनस ए फाइव बराबर आपका हो जाएगा ए प्लस फोर डी बराबर बारह, तो बारह ए प्लस सिक्स डी यही माइनस अंदर जाएगा तो माइनस ए माइनस फोर डी बराबर बारह। एगो ए प्लस में एगो ए माइनस में दोनों कट गया और छः गो डी में से चार गो डी गया तो बचेगा दो गो डी और दो डी बराबर बारह, डी का डी अभी दो यानी गुणा माना जाएगा तो भाग में, तो बारह बट्टा दो यानी कि छः, तो डी का वैल्यू आपका कितना निकल गया छः, ठीक है। तो कह रहा है वह ए पी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद सोलह है, तो ध्यान दीजिए तीसरा पद यानी कि ए थ्री बराबर होगा आपका ए प्लस टू डी होगा ना, आ ए का ए आ ए थ्री का वैल्यू सोलह दिया है, ए का ए टू और डी का वैल्यू अभी कितना निकाला है छः, सोलह के सोलह ए प्लस छः दूना बारह, अभी बारह इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो ए बराबर सोलह में से बारह गया तो चार। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे हमको ए का वैल्यू मिल गया और डी का वैल्यू मिल गया, तो क्या इससे हम ए पी नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ए वन ए बराबर आपका हो गया पहले का तो चार हो जाएगा और दूसरा ए प्लस डी यानी कि चार छ दस और तीसरा ए टू प्लस डी यानी कि दस छ सोलह, चौथा सोलह छ बाईस, इस तरह आपका बढ़ते जाएगा, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है, उतार लीजिए। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन आपका दिया है ए पी तीन आठ तेरह डॉट 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 दो सौ तिरपन में अंतिम पद से बीसवा पद ज्ञात करना है, यानी कि सीधा नहीं उल्टा से बीसवा पद, ठीक है, समझ में आ रहा है, उल्टा से बीसवा पद, इधर से बीसवा पद ना उल्टा से बीसवा पद, ठीक है। तो अंतिम पद कह रहा है, अंतिम पद तो हमको मालूम नहीं है,
कि कितना कुल पद है नहीं मालूम है, तो पहले उसको निकालेंगे। यहाँ पे लिखिए a इज इक्वल टू 3, a2 इज इक्वल टू 8 और d बराबर आपका होता है a2 माइनस a1, तो 8 में से 3 गया तो 5। और an यानी कि अंतिम पद कितना दिया है 253। हमको an का वैल्यू मालूम चलेगा तबे ना हम 20वां निकालेंगे, 31वां निकालेंगे, कुछ निकालेंगे। एन का वैल्यू हमको यहाँ पे पता नहीं है, तो पहले एन का वैल्यू निकालेंगे। तो एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन का वैल्यू 253, ए का वैल्यू 3, एन का एन, डी का वैल्यू कितना निकाले हैं 5, और 3 इधर प्लस में, इधर आया तो माइनस में, तो 253 में से 3 गया तो 250 बराबर एन माइनस वन इंटू 5, भाई 5 इधर गुणा में, इधर आएगा तो भाग में, तो एन माइनस वन इज इक्वल टू 250 बटा 5, 50 25 एगो 0, भाई एन इधर माइनस वन है, उधर जाएगा तो प्लस वन, तो एन बराबर 51। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, यानी कि जो एपी दिया है इसमें आपका टोटल 51 गो पद है, यानी कि इधर से गिनिएगा तो आपका टोटल कितना है 51 को पद, आ इधर से 20वां पद कह रहा है, इधर से 20वां पद, उल्टा 20वां पद निकालना है, तो 51 में से 20 घटेगा तो कितना 31वां होगा, यहाँ पे आ जाएगा तो आपका 31वां पद हो जाएगा, कितना पद हो जाएगा 31वां पद हो जाएगा, लेकिन इधर से गिनिएगा कितना हो जाएगा 32वां पद हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 32वां पद, इसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, आगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इधर से देखिएगा तो आपका 32वां पद आएगा, लेकिन इधर से गिनिएगा तो 20वां पद, ध्यान से देखिए, यहाँ पे समझ में समझा दे रहा है, यहाँ पे इधर से आइएगा तो 20वां पद, यहाँ पे 20 गो पद हो जाएगा। ठीक है, तो इधर कितना पद बच जाएंगे, 31 पद बचेंगे ना, ध्यान दीजिएगा बाबू, इधर से आइएगा, इधर से तो आपका 20वां पद निकालना है, निकालना है ना, तो टोटल 51 गो पद जब है तो इधर से आपका खाली जगह 31वां पद बचेगा, 31 गो बचेगा ना, हमको निकालना इधर से 20वां है, तो इधर से जाएंगे तो 32वां ना निकालना पड़ेगा, यानी कि इसमें प्लस वन, यानी कि कौन सा पद इधर निकालना पड़ेगा 32वां पद निकालना पड़ेगा, समझ में आया, एक बार और देख लीजिए, एक बार और देखिए, अच्छा समझ लीजिए, अभी टोटल 51 गो पद है, कौन गो पद है 51 गो, हम उल्टा आ रहे हैं तो यहाँ पे 20वां पद मेरा हो रहा है, 20वां पद, ठीक है, उल्टा आ रहे हैं तो 20वां पद हमको निकालना है, तो टोटल जब 51 गो है तो इधर से जाइएगा तो उधर से 20वां आ गया है, तो इधर 31 गो पद बचेगा ना, 31 गो पद बचेगा ना, तो हमको 31वां तो निकालना नहीं है, एक और बढ़ के निकालना है, यानी कि 20वां, तो इसमें इसके बाद एक और जाइएगा तो 32वां पद निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पर देख लीजिए, ए 32 बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है, यानी कि उल्टा 20वां आ सीधा 32वां, तो एक का वैल्यू कितना दिया है, एक का वैल्यू 3, एन एन यानी कि 32, अब 32 में से एक गया तो 31, और डी का वैल्यू कितना निकला है 5 के 5, 3 का 3 आ 31 पचे 155 होता है, ठीक है, 5 एकम 5 आ 5 तीन 15 आ ए 32 बराबर 155 आ 3 158, यानी कि 158 आपका आंसर हो गया। ठीक है, यानी कि उल्टा 20वां पद निकालिएगा तो 158 आ सीधा 32वां निकालिएगा तो 158, यानी कि उल्टा आइएगा तो 20वां पद सीधा 32वां पद के बराबर होगा। ठीक है, इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 18 देखिए,